दोस्तों वेस्ट इंडीज को बुरी तरह से हराने के लिए टीम इंडिया में अचानक से हुए बड़े बदलाव, इन 11 धाकड़ खिलाड़ियों के साथ उतरेगी भारतीय टीम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज का दूसरा वनडे मुकाबला थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले वेस्ट इंडीज को बुरी तरह से रौंदने के लिए टीम इंडिया में अचानक से कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, कौन से 11 धाकड़ खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम अब कंफर्म मैदान पर उतरने वाली है, पूरी खबर विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की एक रोमांचक वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा वनडे मुकाबला 9 फरवरी 2022 यानी कि आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार 2:30 से शुरू होगा। टेलीविजन पर यह मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित होगा। इसके अलावा मोबाइल पर हॉटस्टार एप्लीकेशन के जरिए से आप इस मुकाबले को देखकर आनंद ले सकते हो। पहले मैच में टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 6 विकेट से मैच को जीतकर इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। पहले मैच में मिली जीत के बाद टीम इंडिया का मनोबल 7वें आसमान पर होगा। इसी वजह से दूसरे वनडे मुकाबले में हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि पहला वनडे मुकाबला जीतने के बावजूद भी दूसरे वनडे मुकाबले में हमें बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे। दूसरा वनडे मैच सीरीज का निर्णायक मुकाबला होने वाला है। अगर भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत जाती है तो इस वनडे सीरीज को भी भारतीय टीम अपने नाम कर पाएगी। इसके अलावा वेस्ट इंडीज की टीम इस वनडे मैच को जीत जाती है तो वह सीरीज में बराबरी कर पाएगी। इसलिए दूसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया को पूरी तैयारियों के साथ मैदान पर उतरना होगा। इस मैच में बल्लेबाजों को अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाना होगा। इसके अलावा गेंदबाजी की तो कोई बात ही नहीं है। पहले वनडे मैच में मध्यक्रम बल्लेबाजों ने काफी निराश किया था। विराट कोहली और ऋषभ पंत के बल्ले से जिस तरह का प्रदर्शन की उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिला था। सबसे ज्यादा निगाहें तो कप्तान रोहित शर्मा पर होगी, जिन्होंने पहले वनडे मैच के द्वारा अर्धशतकीय पारी खेलकर कप्तानी पारी खेली थी। इसके अलावा रोहित शर्मा टीम इंडिया में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। टीम इंडिया से ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की छुट्टी हो सकती है और इनकी जगह धाकड़ खिलाड़ियों की एंट्री भी हो सकती है, जिसके बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और भी ज्यादा मजबूत नजर आ सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है और भारतीय टीम में कौन से बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सलामी बल्लेबाज के तौर पर पिछले वनडे मुकाबले में ईशान किशन और रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर चुके हैं और भारतीय टीम को शानदार शुरुआत भी दिला चुके थे। लेकिन दोस्तों अब इस बार दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के उपकप्तान केएल राहुल वापसी कर रहे हैं। केएल राहुल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा एक बार फिर से दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि ईशान किशन के द्वारा ठीक ठाक प्रदर्शन किया गया था, लेकिन केएल राहुल के आने की वजह से ईशान किशन को बाहर बैठना ही होगा। देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे वनडे मुकाबले में केएल राहुल के द्वारा किस तरह का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा रोहित शर्मा तो कप्तान के तौर पर भारतीय टीम में मौजूद हैं और उनकी जगह भी लगभग तय है। रोहित शर्मा कप्तान है, इसमें रोहित शर्मा चाहेंगे कि दूसरा वनडे मुकाबला जीतकर भारत को जल्द से जल्द इस वनडे सीरीज में भी जीत दिलाए। ऐसे में रोहित शर्मा बल्ले के साथ और कप्तानी के साथ दूसरे वनडे मुकाबले में तूफानी प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मध्यक्रम बल्लेबाजी में भी हमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो आप सभी को नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि पिछले मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। लगातार 2 चौके जड़े थे, लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए थे। जल्दबाजी कर रहे थे, लेकिन इस वनडे मुकाबले में उन्हें मध्यक्रम की जिम्मेदारी संभालनी होगी। धीमे धीमे बल्लेबाजी करते हुए, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को बड़ा करना होगा। रन चेस मास्टर के नाम से भी विराट कोहली को जाना जाता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विराट कोहली इस तरह से दूसरे वनडे मुकाबले में प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा आप सभी को नंबर 4 पर बड़ा बदलाव होते हुए नजर आ सकता है। पिछले वनडे मुकाबले में ऋषभ पंत को नंबर 4 पर मौका दिया था, लेकिन उनके द्वारा कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। ऐसे में उनकी जगह ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन को दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन भी मध्यक्रम बल्लेबाजी में बल्लेबाजी करने का अनुभव रखते हैं। जी हाँ, मुंबई इंडियंस की तरफ से ईशान किशन ने कई बार मध्यक्रम बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस को संभाला था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब दूसरे वनडे मुकाबले में ईशान किशन मध्यक्रम में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि पहले वनडे मैच में ईशान किशन ने ओपनिंग
ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए 28 रनों का अहम योगदान दिया था। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव भी इनका भरपूर साथ देते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, पहले वनडे मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव पर मध्यक्रम की जिम्मेदारी होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे वनडे मुकाबले में सूर्य कुमार यादव क्या बेहतरीन शतक लगा पाएंगे, क्या टीम इंडिया को जीत दिला पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा ऑलराउंडर खिलाड़ियों के तौर पर दीपक हुड्डा और वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी लगभग तय है, क्योंकि पिछले मुकाबले में दीपक हुड्डा ने बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई थी, तो वहीं पर वाशिंगटन सुंदर ने दूसरे वनडे मुकाबले में गेंदबाजी में अहम भूमिका निभाई थी। वाशिंगटन सुंदर ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 30 रन देकर 3 विकेट हासिल करके एक बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका निभाई थी। बल्लेबाजी में भी वाशिंगटन सुंदर कमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दीपक हुड्डा भी गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। गेंदबाजी करने के लिए अगर उन्हें मौका दिया जाता है तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दीपक हुड्डा क्या गेंदबाजी में विकेट हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा स्पिनर गेंदबाज के तौर पर भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों पिछले मुकाबले में युजवेंद्र चहल ने काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया था। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में चहल के द्वारा कुछ इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। इसके अलावा आप सभी को 3 तेज गेंदबाज खेलते हुए नजर आएंगे। यहाँ सबसे पहले तो आप सभी को दीपक चहर भारतीय टीम में वापसी करते हुए नजर आएंगे। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दीपक चहर का प्रदर्शन काफी शानदार रहा था, जिसकी वजह से अब इन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भी चुना गया है। ऐसे में अब दूसरे वनडे मुकाबले में दीपक चहर की एंट्री होना लगभग तय है। शार्दुल ठाकुर की जगह इन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है। शार्दुल ठाकुर भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन पहले वनडे मुकाबले में उनके द्वारा खराब प्रदर्शन देखने को मिला था। ऐसे में दीपक चहर गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी करने का भी दमखम रखते हैं। इसके अलावा आप सभी को नंबर 10 पर आवेश खान खेलते हुए नजर आ सकते हैं, और इस बेहतरीन खिलाड़ी का टीम इंडिया में हमें वनडे क्रिकेट में डेब्यू होते हुए नजर आ सकता है। आवेश खान ने हाल ही में आईपीएल 2021 में काफी शानदार गेंदबाजी की थी, जिसका फल उन्हें अब जाकर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में मिला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने डेब्यू मैच में आवेश खान किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इसके अलावा आप सभी को नंबर 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जिन्होंने पहले वनडे मुकाबले में विकेट टेकर की भूमिका निभाई थी। पहले वनडे मैच के द्वारा प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट हासिल किए थे और दोनों ही विकेट काफी अहम थे। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में इनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। कुछ इस तरह से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, टीम इंडिया का दूसरा वनडे मुकाबला जीत पाएगी? उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।